और तबातोर 5 गोलियां उन पर दागी गई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पट्टा के कोरजी मोड़ की है। की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर नीलेश मुखिया को गोली मारी गई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पट्टा के कोरजी की पास की है, जहां पर अपराधियों ने 5 की संख्या में आए थे और नीलेश मुखिया वहां मौजूद थे, तभी अपराधी जो है घाघ लगाए बैठे थे और तबातोर 5 गोलियां उन पर दागी गई है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो पट्टा के कोरजी मोड़ की है, जहां पर अपराधियों ने उन पर तबातोर गोलियां दागी है, जिसके बाद नीलेश मुखिया को पटना के कोरजी अस्पताल होली फैमिली में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है इस वक्त। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जो आसपास के लोग हैं वहां पर पहुंच गए, उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है। जो तस्वीरें हैं होली फैमिली की है, जहां पर उनके समर्थक जो है इंतजार कर रहे हैं कि कुछ अच्छा सूचना जो है नीलेश मुखिया के बारे में आए। जो तस्वीरें आ रही है वो पट्टा के कोरजी मोड़ की है, जहां पर अपराधियों ने उन पर तबातोड़ गोलियां मारी है, जिसके बाद वहां पर कई थाने की पुलिस पहुंची है। कदम पाटलिपुत्रा थाना और दीघा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पूरे मामले की जांच कर रही है। एफएसएल की टीम जो है मौके पर पहुंची है। जो हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो घटनास्थल की है, जहां पर गोलियों की जो खोखे है वह मौजूद वहां पर है और किस तरीके से एफएसएल की टीम का इंतजार किया जा रहा है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर वो जांच करेगी कि आखिर किस तरीके से अपराधी जो है कहां से आए थे, अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोलियां दागी है। इसको लेकर सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है, पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं कि आखिर अचानक क्या हो गया, यानी दिन दहाड़े अपराधियों ने उन पर गोलियां दाग दी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो दर्शकों को हम बता रहे हैं। जो मौके पर पहुंचे पुलिस जानकारी दे रही है, क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आप जरा गौर से सुने। उठाएगा क्या लेना है उसको, क्या नहीं हम लोग ना जानते हैं। सर क्या सूचना मिली है? सर सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना यही मिली थी कि नहीं जो नीलेश मुखिया को जो है अज्ञात हम लोग जो है गोली मार दी है और उसे हम लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं। अनुसंधान का क्या स्थिति अभी उनका? इलाज चल रहा है, कुछ देर बाद ही जो है क्लियर होगा, जो है वैसे तो आपने सुना किस तरीके से जो पुलिस है वो जानकारी देते हुए सीधे तौर पर कहा कि एफएसएल की टीम पहुंच रही है, वो जांच करेगी क्योंकि हम लोग इसको जांच नहीं कर सकते। जो खोखे हैं वहां पर 5 खोखे बरामद किए गए हैं, उसे एफएसएल की टीम जांच करेगी। आखिर वजह क्या रही कि गोली चलाई गई है, अपराधियों ने उन पर गोली चलाई है। नीलेश मुखिया जो है उस इलाके में दबंग के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि नीलेश मुखिया का जो है उनके कह सकते हैं कि जो मुखिया पति हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं नीलेश मुखिया पर जो है गोलियां दागी गई है और होली फैमिली में उनका इलाज चल रहा है। अब आगे की जो अपडेट आएंगे वो भी हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे, लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो दर्शकों को बता रहे हैं कि पटना में दिन दहाड़े अपराधियों ने उन पर 5 गोलियां दागी है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।